तू बड़ा खो देंगे। अरे वो उसके बारे में नहीं बोल रहे, वो बोले मम्मी के लिए मैसेज भेजो कि मम्मी के लिए क्या बोल रही हो। मम्मी के लिए सब अच्छे मैसेज भेजना, अच्छे लोगों तो अच्छे मैसेज भेजना, बुरे लोगों तो बुरे कुछ भी मैसेज भेजना ही। मम्मी मैं सब कर रही हूँ, होमवर्क भी कर रही हूँ, क्लास में टॉप भी कर रही हूँ, पास भी हो रही हूँ, रोज पढ़ाई कर रही हूँ। आप बस रोना मत, अब जल्दी घर पे आना, अब मम्मी जल्दी आओ। दोस्तों देखिए बच्चे हमारे बैठ के बहुत मस्ती कर रहे हैं और छन छन कुछ कहना चाहती। छन छन क्या कर रही है, क्या कर रही है? नमस्ते प्रणाम गुरु पे, छोटकी बेटी गुरु छके गोल लगाते हैं खेल के। खेल रही हो? क्या खेल रही हो? पाटर पे धर के खेल रही हूं। तो दोस्तों बहुत मस्ती कर रही हमारी बच्ची, आज बहुत खुश है और बोल रही थी मैं शेरनी हूँ, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हो? मैं शेरनी की बेटी हूँ और शेरनी की बेटी रहूंगी। मेरी मम्मी को जो भी कुछ बोलेगा उसका मुंह तोड़ दूंगी। ओ, तुम्हारे मम्मी को कुछ कोई बोल ही नहीं पाएगा, तुम दो शेरनी हो, ठीक ना? तो क्या होगा, कोई कुछ बोल रहा है भोकता है तो भोकने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा एक बात बोले हैं, हाँ। सब कौवे हैं, कौवे बोलेंगे, जैसे कहते नहीं है सब कौवे, तो कौवे दिन भर बोलते रहते हैं काव काव का, लेकिन कितना भी कहे तो चुप हो जाओ तब भी काव का बोलते हैं सब, तो वही कौवे हैं सब। दोस्तों कोई परेशानी की बात नहीं है, हम लोग बहुत हैप्पी हैं और थोड़ा समझ ही सकते हैं आप लोग, टेंशन है, मैटर है तो चल रहा है, तो भाग दौड़ करना पड़ रहा है। आप लोग भी जानते हैं कि थोड़ा दुख सुख तो आता रहता है, तो इन लोगों का थोड़ा सा टाइम आया है, तो भोग रहे हैं तो भोगने दीजिए, बाकी माता रानी की कृपा से सब ठीक होगा, अच्छा अच्छा ही होगा और अच्छा हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है। अब माता रानी चाहेंगी तो बहुत। माता रानी का मैं रोज सुबह उठ के पूजा करती हूँ कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। हाँ तुम्हारी मम्मी बहुत जल्द ठीक हो जाए। अभी रुक जाओ ना, बैठ के जाओ। तुम लोग कुछ ये दो तीन लोग हैं जो बहुत परेशान कर रहे हैं, कुछ छोटे यूट्यूबर इनमें परेशान हो जा रहे हैं, तो उन लोगों को बता देते हैं। भाई देखिए आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, किसी के चैनल को बदनाम जैसा करते हैं वैसा होता भी उनके साथ, तो बहुत जल्द मेल जाना चालू हो जाएगा, तो आप लोग भी परेशान होगे उन लोगों के चक्कर में। किसी और के साथ करोगे तो आपके साथ होगा, अगर आप अपने साथ करोगे तो किसी और के साथ होगा। तो ऐसा वो होता नहीं है, ये बात तो सच्ची है। आप लोगों का अपना मुंह मत खराब करिए, दूसरे के चढ़ाने पे कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए, नहीं तो आप तो मेल भी जा रहा है, बहुत से लोग रो भी रहे हैं कि मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है, तो कॉपीराइट हम लोग स्ट्राइक को ही कहते हैं भाई, हमारा नाम लेते हो, हमारा थंबल यूज करते हो, हमारे वीडियो के बारे में बोलते हो, हमारे वीडियो के साथ खिलवाड़ करते हो, हमारे चैनल का नाम बर्बाद करते हो, तो हमारा चैनल का नाम गोरखपुरिया भौजी है। यूट्यूब साफ साफ कहता है अगर आपके चैनल के बारे में कोई कुछ बोलता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, आप उस पर कॉपीराइट दे सकते हैं। आप मेरे ही चैनल का नाम लेके बदनाम करोगे और हम कुछ करेंगे भी नहीं, तो भाई जाहिर सी बात है हमें इतना पावर यूट्यूब दिया है, तो हमारे पास जो CMS है वो क्या करने के लिए है, वो इतना पैसा लेती है किस लिए लेती है, वो मेहनत नहीं करेगी, मेहनत कर रही तो रोना तो आपको जाहिर सी बात है, तब कह रहे हो कि हमको ये कर रही है। तुम जब गाली दे रहे थे तब नहीं कह रहे थे कि गोरखपुरिया भाई जी को, तब तो मजा आ रहा था, अभी रो रहे हो, कह रहे हो कि हम ऐसे ही सबके साथ करती हैं, सबके साथ नहीं करती हैं, जो दो चार हैं जो भोगते हैं, अभी कहे थंबल हटा रहे हो, थंबल हटा रहे हो, टाइटल भी पे जाता है, टाइटल हटाओगे वीडियो हटाओगे सारा तो तुम्हारा चैनल ही चला जाएगा, सारी वीडियो तो हमारी तुम्हारी तुम्हारे चैनल पे मिलेगा, आप क्या क्या हटाओगे, थंबल हटाना चालू कर दिए, थंबल से ही नहीं होता है, टाइटल से भी होता है, मेरे चैनल का नाम लेते मैं उस पर भी कॉपीराइट लगता है, आपको क्या मालूम है, ये सब छोटे यूट्यूबर नहीं जानते हैं, लेकिन जो बेचारे हो तभी नया नया खोले उनको क्या मालूम है, लेकिन जो पुराने काम करते हो तो जानते हैं। इस समय तो यूट्यूब ने बहुत अच्छा अच्छा पॉलिसी बनाया है, बहुत मज़ा आता है, अब मज़ा आ रहा है ना, अब मज़ा ऐसे ही आएगा। दोस्तों हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, हम लोग सोचते हैं चलो बेचारा कोई जीता खाता इसको क्या ध्यान देता है, कोई ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन अगर एक दो को छोड़ दोगे आप ना, तो उसके बाद देखी देखा चार लोग ऐसे ही काम करने लगते हैं, तो उससे अच्छा है दो चार पाँच को बड़े बड़े जो
जिसका अच्छा अच्छा कहेंगे। इसी में कुछ मीडिया वाले अपना यूट्यूब वाले, वो भी तो यूट्यूब वाले ही हैं और माइक लगा के बोलते हैं उल्टा सीधा, उन पे भी गया है मेल। अभी वो भी सुधर रहे हैं, सुधरेंगे बहुत जल्द, अच्छे से सुधरेंगे, तब पता चलेगा कि किसी के चैनल को बारे में बदनाम करने से क्या होता है। हम बहुत दिन से यही काम कर रहे थे, हम भी परेशान थे, सोच रहे इन लोगों के जवाब देवे करेंगे, पहले अपना मैटर ये वाला सट आउट करें यार, ये सट आउट करें, ये सट आउट करें। गए थे आपके भाभी जी से भी मिले, बहुत रो खुश थे, अभी रो रही थी बस कि मैंने उनको बताया सब चीज़ें, कहा आप टेंशन मत लीजिए और बातचीत हमारा चल रहा है, सब लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं, कुछ होगा जाएगा नहीं, जो भी होगा माता रानी की कृपा से अच्छा ही होगा। किसी के साथ हम लोगों ने बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होगा, हम ये नहीं कर रहे हैं। जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। हमें सब छोट दो चार यूट्यूबर हैं जो सोचते हैं नाम लेके चढ़ा के बोलते हैं, वो अपने चैनल को खुद बर्बाद कर रहे हैं, एक तो समाज में भी अपनी इज्जत जाएगी, प्लस जो चैनल के बारे में सोचे थे वो भी जाएगी, और वो सब जो हमारे अग्नि के चैनल को लेकर कर को क्या करोगे, आज नहीं तो कल दूसरा चैनल बना लेगा, कर देना उस पर कॉपीराइट कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आज नहीं तो कल उसको दूसरा चैनल वो बना लेगा। हम हैं ना, हम प्रमोट करेंगे उसके चैनल को, वो तुमको जवाब देने के लिए ही वीडियो बना रहा था, बाकी उसको चैनल पर काम है, तो कई दिन से उसका चैनल बना था, बोले काम करो वीडियो बना के डालो, सब नहीं डाल रहे थे, क्यों उनको मन ही नहीं, समय ही नहीं मिलता, वो नहीं अपना काम कर रहे थे, दूसरा काम करते, खुद वही से परेशान रहते हैं। क्या बोले बेटा, बोल दो कुछ मम्मी के बारे में, बोल दो मम्मी से, जो भी मेरी मम्मी कुछ बोलेगा ना तो उसका तू बड़ा फोड़ देगा। अरे वो तो उसके बारे में नहीं बोल रहे, वो बोलो मम्मी के लिए मैसेज भेजो कि मम्मी के लिए क्या बोल रही हो। मम्मी के लिए सब अच्छे मैसेज भेजना, अच्छे लोगों तो अच्छे मैसेज भेजना, बुरे लोगों तो बुरे कुछ भी मैसेज भेजना ही। मम्मी मैं सब कर रही हूँ, होमवर्क भी कर रही हूँ, क्लास में टॉप भी कर रही हूँ, पास भी हो रही हूँ, रोज पढ़ाई कर रही हूँ, आप बस रोना मत, अब जल्दी घर पे आना, अब मम्मी जल्दी आओ, मेरा पेरेंट्स मीटिंग भी मिलती जा कि मैं तो बहुत अच्छी टॉप की हूँ, मुझे को नहीं पता कि मैं टॉप की हूँ कि पास कि फेल हुई हूँ, पर आप जल्दी आइएगा, आप रोना मत, आपका बहुत याद आता है। बहुत जल्द आएंगी, और मम्मी से कुछ और कहना है तो बोल दो, क्या क्या लाना है। मम्मी आप चॉकलेट बस ले आना, और कुछ नहीं, मेरा चॉकलेट फेवरेट है। मेरे को नहीं चॉकलेट कुछ भी नहीं लाया, अपना प्यार दे देना बस। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा और सब अच्छा लगा, आपकी मम्मी आपके लिए चॉकलेट लाएगी, प्यार भी लाएगी और बहुत जल्द आएगी। ठीक है जाओ खेलो दोस्तों, बच्चे हैं कोई बात नहीं है, कुछ भी बोलते हैं अच्छा लगता है, थोड़ा सा बच्चों का वीडियो देखती है तो बहुत खुश होती है, इसलिए बच्चों का वीडियो बनाते हैं यहाँ पे आके। आप लोग सोचते हो कि बच्चों का वीडियो क्यों बनाते हैं, तो हम बच्चे का वीडियो इसलिए बनाते हैं ना, जैसे नहीं होता है बच्चों को बार बार वीडियो में देख के थोड़ा संतुष्टि मिलता है, देख लेते हैं तो मन को हल्का हो जाता है, बाकी सब क्या है, सब सही हो जाएगा, हम लोग ऐसे नहीं है, माता रानी की कृपा से सब अच्छा ही होगा, बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार दुलार बना रहे, बाकी हम लोग जंग जीत लेंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं हम लोग की कोई गलती नहीं है, हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, सब जानते हैं लेकिन क्या करेंगे, बस आप लोग बस प्यार दुलार बनाए रखिएगा, आप लोग साथ देंगे तभी हम लोग आगे तक बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो टांग पकड़ के खींचना चाहते, एक लेडीज हो के इतना ज़्यादा व्यूज इसका कैसे आता है, आप लोग बताइए, हमारा व्यूज पहले नहीं आता था, उसका उसी विष्णु का मालती की बात कर रहे हैं, क्या उसका व्यूज आता था, मेरे आधा भी किसी छोटे से चैनल इतना उसका व्यूज नहीं आता था सब्सक्राइबर से, क्या मेरे तो इतने सब्सक्राइबर जाके देखिए कई ठो चैनल है, किसी भी चैनल पे डाल देंगे तो हमारा 50-60 हज़ार 1 लाख व्यूज आ जाता था, कैसनों वीडियो रहे, लेकिन हमारा व्यूज आता था, हम चीज़ सब चीज़ से सही थे, अच्छे खासे इनकम भी कर रहे थे, लेकिन और गाने भी हमारे चलते हैं, सब गाने जाके देख लीजिए, हर चीज़ से हम सही थे, हमें इन सब कि लफड़े में पड़ना नहीं था, लेकिन हमें फंसाया गया, फंस गए, जाके पड़ गए, तो हमको बदनाम कर रहे हैं लोग, जानबूझ के किसी को बदनाम करोगे तो अच्छा लगेगा,